नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान और आज हम बात करेंगे ब्यूटी प्रोडक्ट यानी कि टेलकम पाउडर की। तो स्किन केयर नहीं, कैंसर देते हैं ये प्रोडक्ट। आप अपने शरीर को सुंदर बनाने और पसीने की बदबू से निजात पाने के लिए टेलकम पाउडर का प्रयोग करना आम बात सी है। महिलाओं के ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी टेलकम पाउडर का अहम रोल होता है। आपको बता दें कि टेलकम पाउडर में टैल नाम मिनरल पाया जाता है जो कि काफी नुकसानदायक होता है। यही गर्भाशय कैंसर का भी कारण बनता है। हाल ही में हुए एक अध्ययन में ये तथ्य निकलकर सामने आए हैं कि टैल्कम पाउडर का अधिक इस्तेमाल करने वाली महिलाओं को ओवेरियन यानी गर्भाशय का कैंसर की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और कैंसर के 24% अधिक होने की संभावना और बढ़ जाती है जो लगातार इसका इस्तेमाल करता है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक ने भी टैल्कम पाउडर के इस्तेमाल को कम करने की हिदायत दी है। कैंसर विशेषज्ञों की माने तो हर 5 में से एक महिला टैल्कम पाउडर के इस्तेमाल की वजह से कैंसर से पीड़ित है। करेंगे इस पर खास चर्चा भी, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। शरीर का गोरापन बढ़ाने और पसीने को कम करने के लिए टैल्कम पाउडर का इस्तेमाल आम बात है। मार्केट में तरह तरह की कंपनियां त्वचा में खुशबू और सफाई को लेकर कई सारे फायदे गिनाती दिखती हैं। लेकिन टैल्कम पाउडर की गुणवत्ता को लेकर हुए तमाम शोध बताते हैं कि पाउडर के प्रयोग से कैंसर होने का खतरा रहता है। इतना ही नहीं, बच्चियों पर इस्तेमाल किए जाने वाले टैल्कम पाउडर से ओवेरियन कैंसर के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। टैल्कम पाउडर में बहुत सी जहरीली चीजों का प्रयोग किया जाता है। लंबे समय तक चले 25 शोधों के आधार पर इस बात को साबित किया गया है। बता दें कि टैल्कम पाउडर पर सिलिकेट और एस्बेस्टॉन जैसे कंपोनेंट का प्रयोग किया जाता है जो हेल्थ के लिए बेहद खतरनाक है। इतना घातक होने के बाद भी लोग जानकारी के अभाव में टैल्कम पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। चौंका देने वाली बात ये है कि कंपनियां इस बात को बखूबी जानती भी हैं, बावजूद इसके अपने प्रोडक्ट में कोई बदलाव नहीं कर रही हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इन बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए उपभोक्ता सिर्फ पैसे कमाने का जरिया मात्र है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज। सुबह बोलेगा में आज मुद्दा काफी अहम उठाया गया है। टैल्कम पाउडर क्या इतना खतरनाक हो भी सकता है, ये हम और आप नहीं सोच सकते हैं, लेकिन वाकई में ये इतना खतरनाक साबित होता नजर आ रहा है और इसीलिए चर्चा का विषय बन गया है। इसीलिए के न्यूज ने यह मुद्दा उठाया है। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर भी फ्लैश हो रहे हैं, आप नंबर पर कॉल करके अपनी राय भी रख सकते हैं क्योंकि आपकी राय बेहद ही अहम और महत्वपूर्ण है। आपने सोचा भी नहीं होगा कि टैल्कम पाउडर क्या इतना खतरनाक हो भी सकता है। सुंदरता बढ़ाने वाला टैल्कम पाउडर इतना खतरनाक कैसे साबित हो सकता है, लेकिन ऐसे हानिकारक तत्व इसमें पाए गए हैं जो कहीं ना कहीं एक खतरे को पैदा कर रहे हैं और इससे गर्भाशय जैसे खतरनाक कैंसर के भी मामले इसको लगाने से सामने आ रहे हैं। 25 शोधों के बाद ये सामने आ पाया है और इसीलिए ये एक मुद्दा भी बन गया है क्योंकि इससे पहले आमतौर पर देखा जाता है बच्चों को, अगर चाहे बड़ों की बात करें या बच्चों की बात करें, बच्चों को भी बेबी जॉनसन जो पाउडर होता है, जॉनसन का पाउडर काफी खतरनाक निकलकर सामने आया है। कई बार ऐसे मामले भी सामने आ चुके हैं आपको बता दें, और इससे कैंसर के मामलों में इजाफा होता नजर आ रहा है। और ये एक काफी अहम मुद्दा है क्योंकि आपसे और हमसे जुड़ा हुआ मुद्दा है और अधिकतर लोग टैल्कम पाउडर का इस्तेमाल भी करते हैं राहत पाने के लिए, पसीने से छुटकारा पाने के लिए। और कहीं ना कहीं ज्यादातर अगर महिलाओं की बात की जाए तो महिलाएं ज्यादातर इसका इस्तेमाल करती हैं क्योंकि अगर बात की जाए मेकअप की तो मेकअप में इसका अहम रोल भी होता है। हमारे साथ लखनऊ स्टूडियो से दो मेहमान जुड़े हुए हैं,
असिस्टेंट प्रोफेसर हैं KGMU बाल विभाग के डॉक्टर संजीव कुमार जी, आपका स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही ड्रग्स डिपार्टमेंट से रिटायर्ड डॉक्टर हैं अशोक मल्होत्रा जी, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले डॉक्टर संजीव जी आपके पास आना चाहेंगे, इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे कि क्या टैल्कम पाउडर इतना खतरनाक हो भी सकता है? जो शोध के बाद जो तस्वीर निकल कर सामने आ रही है वाकई चौंकाने वाली तस्वीर है। मैं कहना चाहूंगा कि ये जो टैल्कम पाउडर यूज हो रहा है जी, इसमें अधिकतर कंटामिनेंट्स जो पाए गए हैं उनकी वजह से ही, अभी तक जो भी शोध में आया है कंटामिनेंट्स की वजह से ही कैंसर कारक ये होने की पुष्टि हुई है। अदरवाइज टैल्कम पाउडर सेफ माने जाते हैं, लेकिन सिलिकॉन और एस्बेस्टोस के जो ट्रेसेस मिले हैं हमारे इसमें, इसकी वजह से कैंसर कारक होने का खतरा बढ़ता है। जी चलिए, खतरा बढ़ता है लगातार अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ मिला हुआ है जिससे कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचता है और एक बड़ी बीमारी का जो शिकार होता है आम इंसान, क्योंकि ज्यादातर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अशोक मल्होत्रा जी आपके पास आएंगे, ड्रग्स डिपार्टमेंट से आप हैं तो जाहिर सी बात है एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है, आप रहे हैं तो आपका एक एक्सपीरियंस भी जानना चाहेंगे, और साथ ही क्या ड्रग इंस्पेक्टर इसके सैंपल की जांच भी करवा सकते हैं, एक जिम्मेदारी उनकी भी बन सकती है अगर लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं या शोध में ऐसा निकल कर सामने आ रहा है कैंसर जैसी घातक बीमारी भी हो सकती है इससे अगर कंटिन्यू कोई इस्तेमाल करता है तो? इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट और रूल्स में ये ड्रग इंस्पेक्टर की जिम्मेदारी है कि वो ड्रग्स ही नहीं, बिकने वाले मार्केट में कॉस्मेटिक्स के भी सैंपल लेकर राजकीय विश्लेषक प्रयोगशाला में टेस्टिंग के लिए भेजें। लेकिन जो आंकड़े अभी तक के हैं उसमें संभवतः जो ज्यादा कंसंट्रेशन सैंपलिंग की रही है वो ड्रग्स पे रही है और कॉस्मेटिक्स बिल्कुल उस पर ध्यान नहीं दिया गया है। और कॉस्मेटिक्स कोई भी हो वो भी उसकी जांच होनी आवश्यक है, चाहे वो टैल्कम पाउडर हो चाहे लिपस्टिक हो। लिपस्टिक वगैरह में भी अक्सर देखा गया है कि आर्सेनिक जैसा घातक तत्व पाया जाता है और उसको लिप्स पे लगाने से यदि वो आर्सेनिक जैसा सब्सटेंस बॉडी के अंदर इंजेस्ट होता है तो उसके बहुत घातक परिणाम होते हैं। जी बिल्कुल, तो इसलिए टैल्कम भी एक कॉस्मेटिक में आता है और ये ड्रग रूल्स के शेड्यूल एस से कवर होता है जिसमें मानक दिए हुए हैं कॉस्मेटिक्स के, उसमें बेबी पाउडर्स भी हैं, स्किन पाउडर्स भी शामिल हैं और इंडियन फार्माकोपिया एक स्टैंडर्ड्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो दवाओं और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के लिए लागू होता है, उसमें मानक दिए हुए हैं और टैल्क के ऊपर एक अलग से मोनोग्राफ इंडियन फार्माकोपिया में अंकित है और उसके मानक भी निर्धारित हैं और उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि एस्बेस्टस जो एक कंटेमिनेंट टैल्कम में पाया गया है और जो कैंसर का कारण है वो एस्बेस्टस उसमें नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल, अशोक जी जिस तरीके से आपने बहुत सारी चीजों का जिक्र किया है इस बीच, एक बड़ी जिम्मेदारी तो ड्रग्स विभाग की बनती है कि सैंपल लेना चाहिए, और कॉस्मेटिक में अगर देखा जाए तो आमतौर पर मुझे लगता है ज्यादा ऐसे तत्व पाए जाते हैं और लोग ज्यादा इस्तेमाल भी उन चीजों का करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एक टॉपिक उठा लिया टैल्कम पाउडर का, लेकिन चाहे वो लिपस्टिक हो चाहे और प्रोडक्ट हो, मुझे लगता है हानिकारक केमिकल उसमें पाए जाते हैं, सैंपल लिए जाने की भी जरूरत है, उसके क्या माना जाए मानक के अनुरूप कहीं ना कहीं उन्हें बनाया जा रहा है और क्या कहते हैं कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैडम इशू ये है कि जो भी ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट्स हैं
वो उनकी मैन पावर जो टेस्टिंग की है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है, और उसके लिए केंद्र सरकार जागरूक भी रही है और बहुत सारी फंडिंग भी कर रही है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक पूरे देश के अंदर जो भी प्रयोगशालाएं गवर्नमेंट की हैं जहां पर ये टेस्टिंग होती है, जो सैंपल ड्रग इंस्पेक्टर्स द्वारा लिए जाते हैं, उनकी सभी सैंपल्स की समुचित व्यवस्था भी नहीं है और सारा समय उनका ड्रग टेस्टिंग में ही निकल जाता है, और कॉस्मेटिक्स की सैंपलिंग के लिए उनके पास ना तो पूरी व्यवस्था है टेस्टिंग की, केमिकल्स का अभाव है, और कई जगह तो उनके पास प्रोटोकॉल्स ऑफ एनालिसिस के किस मेथड से उसको टेस्ट करना है उनकी भी संभावना कम रहती है, सिवाय उन प्रोडक्ट्स के जिनके BIS मानक जारी किए गए हैं केंद्र सरकार द्वारा। जी वाकई सवाल काफी अहम हो जाता है, अगर मैन पावर की कमी है या समुचित व्यवस्थाएं नहीं है तो आखिर उन व्यवस्थाओं को उपलब्ध कराना भी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है सरकार की भी, और साथ ही अगर फंड रिलीज होता है तो आखिर वो व्यवस्थाएं समुचित क्यों नहीं हो पाती हैं, ये भी एक सवाल उठता है। संजीव कुमार जी आपके पास आएंगे, अगर ऐसा लगता है कि इस प्रोडक्ट में कुछ गड़बड़ी है या ऐसे मानक के अनुरूप नहीं बनाया गया है इसे, या कुछ ऐसा इस्तेमाल किया गया है जिसका कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है या कोई बीमारी उत्पन्न हो रही है, क्योंकि ज्यादातर अगर कॉस्मेटिक्स की बात की जाए तो ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं और खासतौर पर महिलाओं की संख्या इसमें ज्यादा होती है क्योंकि महिलाएं थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल करती हैं, तो अगर कोई ऐसी गड़बड़ी निकलती है तो इसके लिए कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाए जाते? जैसा कि अशोक जी ने बताया कि अभी भी हमारे पास जो लैब्स में हैं अभी भी ये कन्फर्मेटरी रिपोर्ट्स और सैम्पलिंग्स, अभी सच्चाई आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, जब तक ये चीज़ें बिल्कुल खुल के सामने नहीं आती तब तक कानूनी कार्रवाई तो कम से कम नहीं की जा सकती है। साथ में ये केवल महिलाओं का ही विषय नहीं है, बच्चों के लिए ये और भी ज़्यादा घातक होता है, क्योंकि बच्चों का जो लंग्स हैं, फेफड़े हैं, ये अभी भी डेवलपमेंटल स्टेज में होते हैं, पिछले शुरू के कुछ 4-5 वर्षों तक बच्चों के फेफड़े अभी डेवलप ही हो रहे होते हैं, इनमें काफ़ी विकास होता है, अगर इस अवस्था में ऐसे तत्वों का एक्सपोजर होगा जो जैसे एस्बेस्टास हैं और भी कई कैंसर कारक तत्व हैं, अगर इनका एक्सपोजर होगा इस डेवलपमेंटल स्टेज में तो परिणाम बहुत ही घातक होंगे। लेकिन जैसा कि अशोक जी ने, मैं फिर से बोलूँगा, जैसा कि अशोक जी ने बताया कि अगर ये प्रमाणित होता है कि ऐसे तत्व पाए गए हैं तो निश्चित रूप से इनको प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। प्रतिबंधित किया जाना चाहिए लेकिन कोई प्रतिबंध लगता नजर नहीं आ रहा है, और नामी ग्रामी जो कंपनियां हैं, जो ब्रांड हैं, वो धड़ल्ले से बिक रहे हैं, हालांकि साइड इफेक्ट उनके भी देखने को मिलता है, और अगर देखा जाए तो लोग अवेयर भी होते हैं, बावजूद इसके कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि ये बात निकलकर बार बार सामने आती है, चाहे वो कई ब्रांडेड कंपनियां हैं, जो जॉनसन की बात कर लें या कई की बात कर लें, बेबी जो पाउडर होता है टेलकम पाउडर का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो मुझे लगता है थोड़ा सा आम जनता को भी अवेयर करने की जरूरत है, कहीं ना कहीं अवेयर होने की जरूरत है कि ऐसे हानिकारक प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए। और आपको बता दें ड्रग विभाग की भी एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है, प्रशासन की भी एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है, उनको भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। लगातार दर्शकों से भी अपील करना चाहेंगे कि इस मुद्दे को लेकर अगर अपनी राय रखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, उस नंबर पर कॉल करके अपनी राय रख सकते हैं, क्योंकि आपकी राय बेहद ही महत्वपूर्ण है। अशोक जी आपके पास आएंगे, ड्रग्स डिपार्टमेंट की आपने बात की कि कहीं ना कहीं मैन पावर की कमी निकलकर सामने आती है और समुचित व्यवस्थाएं नजर नहीं आती हैं, तो आखिर किसी न किसी को तो वो व्यवस्थाएं समुचित करनी पड़ेंगी, किसी न किसी को तो अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, क्योंकि ये समाज से जुड़ा हुआ मुद्दा है और लोग ज्यादातर इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। मेरा ये कहना है कि जो मानक निर्धारित हैं उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो भी निर्माता
टेलकम पाउडर का निर्माण करेगा वो उसकी इन्वेस्टिगेशन जरूर करेगा, उसकी जांच जरूर करेगा और उसके लिए मेथड्स भी दिए हैं ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी के कि उसके माध्यम से वो देखे कि उसमें एस्बेस्टस के कण तो नहीं है। सबसे बड़ा होता है स्रोत, जहां से ये टैल्क ला के उसको पाउडर किया जाता है उसके आसपास ही एस्बेस्टस भी पाया जाता है, इसलिए उसको रिफाइन करना, फाइनल पैक करने से पूर्व रिफाइन करना अनिवार्य है हर निर्माता के लिए। और यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो ये ड्रग डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी हो जाती है कि वो मार्केट से रैंडम सैंपलिंग करके, क्योंकि इसके मानक निर्धारित हैं और गवर्नमेंट एनालिस्ट लैब में उनको फ्रीक्वेंटली भेजें और अगर एस्बेस्टस उसमें पाया जाता है तो उस कंपनी के उस उत्पाद पर रोक लगानी चाहिए और इसका ऑलरेडी प्राविधान ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में दिया हुआ है। लेकिन जैसा डॉक्टर साहब ने सजेस्ट किया कि प्रतिबंध लगाना, प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसा आपने कहा कि पब्लिक को अवेयर करने की जरूरत है और मेरे संज्ञान में ये बात है कि जो टेलकम पाउडर की अच्छी कंपनीज हैं हिंदुस्तान की वो उस पर एक कॉशन जरूर मेंशन करती हैं और उसमें एक बहुत अच्छी कंपनी के प्रोडक्ट पर यह लिखा हुआ है कि बच्चों से पाउडर को दूर रखें और इनहेल ना होने पाए, क्योंकि बच्चे जो है डॉक्टर साहब ने कहा कि लंग्स अभी विकास की स्टेज में है, दे आर वेरी सेंसिटिव और यदि वो पाउडर डस्टिंग के समय माए ये ध्यान दें कि वो उड़े ना, इनहेल ना करे बच्चा, तो शायद ये बीमारियों से बचा जा सकता है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन की भी जरूरत है और ज्यादातर जो माएं हैं छोटे बच्चों को पाउडर इस्तेमाल करती हैं तो उनकी पहुंच से उन्हें दूर रखना चाहिए। चर्चा हमारी लगातार जारी रहेगी, फिलहाल रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। टेलकम पाउडर इतना भी खतरनाक हो सकता है ये हम और आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन वाकई जिस तरीके से शोध के बाद ये बात निकलकर सामने आई है, कई हानिकारक चीजों का इसमें इस्तेमाल किया गया है, कई जहरीली चीजों का इसमें इस्तेमाल किया गया है इसे बनाने में, कहीं ना कहीं मानक की भी अनदेखी की गई है और ये इसीलिए इतना खतरनाक साबित हो रहा है कि गर्भाशय जैसे कैंसर को भी जन्म देने से पीछे नहीं छोड़ रहा है और यही इसीलिए चर्चा का विषय भी बना हुआ है। इसीलिए चर्चा भी हमारी जारी है। लखनऊ स्टूडियो से दो मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही दर्शकों से भी अपील करना चाहेंगे कि टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, आप इस नंबर पर कॉल करके अपनी राय दे सकते हैं, आपकी राय जो कि काफी महत्वपूर्ण है। और साथ ही ऐसी अगर कोई अव्यवस्था आपके पास नजर आती है जिसे देखकर लगता है कि वाकई आवाज उठानी चाहिए तो अपनी उस अव्यवस्था से भी अवगत करा सकते हैं। लगातार नंबर फ्लैश हो रहा है टीवी स्क्रीन पे, आप नंबर पे कॉल करके अपनी राय रख सकते हैं। संजीव कुमार जी आपके पास आएंगे चूंकि आप बाल विभाग से हैं, साथ ही हम आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार शोध के बाद ये बात निकलकर सामने आ रही है कि इसमें जहरीले घातक तत्व पाए गए हैं, तो इसे कितना मतलब अवेयर होने की जरूरत है, साथ ही कितनी सावधानी बरतने की जरूरत है, अगर इसे इस्तेमाल किया जाए तो किस तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए? ये मैं कहना चाहूंगा कि बच्चों के लिए तो ये काफी घातक है। अगर बच्चे इसमें जैसा कि वार्निंग लिखी होती है सावधानी से बच्चों के सामने बहुत ज़्यादा एक्सपोजर रहेगा तो फिर बच्चे इनहेल करेंगे ही करेंगे। दूसरा ये है कि बहुत ज़्यादा यूज़ लगातार यूज़ जितने भी केसेस सामने आए हैं उसमें बहुत लंबे समय तक लगातार एक्सपोजर के बाद ही जो भी कैंसर के मामले आए हैं, लगातार बहुत लंबे समय तक यूज़ करने के बाद ही ऐसे मामले आए हैं, तो ये भी चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है कि लगातार आप परसिस्टेंटली बहुत ज़्यादा मात्रा में कंटामिनेटेड
प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो फिर ऐसा दिक्कत आने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो अवॉइड करिए अगर अवॉइड कर सकते हैं, अदरवाइज और जो ब्रांडेड हैं उनमें ही विश्वास रखिए। नहीं कई बार ये भी देखा जाता है ना संजीव जी कि ब्रांडेड होने के बावजूद भी वो उतने ही खतरनाक होते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि ब्रांडेड है तो वो खतरनाक नहीं है, बावजूद इसके वो खतरनाक उतने ही पाए जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि अभी इसमें जितने ब्रांडेड हैं सभी में पाया गया है, एक आध में पाया गया है, उसको आप कोशिश करके अवॉइड कर सकते हैं। चलिए ठीक है, उसे कोशिश करके अवॉइड कर सकते हैं। ये सिलिका से बनते हैं, जितने भी पाउडर हैं सिलिका से बनते हैं, सिलिका के पास एस्बेस्टस की होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया जो है और स्टेट गवर्नमेंट के भी जितने भी विभाग हैं ये अप्रूवल तभी देते हैं जब उसमें ना के बराबर संभावना होती है जी। अब ये अगर पाया जा रहा है तो मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अगर जिन जिन ब्रांड्स में पाया गया है उनको तो कम से कम ना ही इस्तेमाल किया जाए जी। लेकिन मुझे लगता है ना इस्तेमाल करना एक सॉल्यूशन नहीं है इस समस्या का। हालांकि इस समस्या से कैसे निजात पाई जाए ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है अपने आप में। अशोक जी आपके पास आएंगे, वाकई इस समस्या से कैसे निपटा जाए एक बड़ी जिम्मेदारी मुझे लगता है प्रशासन की भी होती है। प्रशासन की क्या कुछ जिम्मेदारी है और साथ ही उसे कैसे अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए, अगर प्रशासन इस मुद्दे से वाकिफ है तो वो इसको लेकर सजग होता क्यों नजर नहीं आ रहा है। इस मामले में मेरा सुझाव ये होगा कि सेंट्रल इंडिया फार्माकोपियर लैब, सेंट्रल इंडियन फार्माकोपियर लैब जो मानक निर्धारित करती है दवाओं के और कॉस्मेटिक्स के हिंदुस्तान में बिकने के लिए, उनके पास ड्रग कंट्रोलर जनरल इंडिया के माध्यम से उन्हें ये करना चाहिए कि जो टैल्क पाउडर का मोनोग्राफ इंडियन फार्माकोपिया में उन्होंने डाल रखा है उसमें एस्बेस्टस की लिमिट निर्धारित की जाए और वो टेस्ट कंपल्सरली सभी को करना हो ताकि उस लिमिट के बियॉन्ड एस्बेस्टस उसमें ना हो। जी चलिए, तो कहीं ना कहीं और दूसरा सुझाव है कि प्रत्येक ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट का जी अपनी मशीनरी को चुस्त दुरुस्त करे ताकि दवाओं के अलावा वो कॉस्मेटिक्स के भी, चाहे वो टेलकम पाउडर हो, लिपस्टिक हो, शैम्पू हो या अन्य परफ्यूम्स हो, उन सब की भी सैंपलिंग व्यापक तौर पर की जाए। क्योंकि मुझे अपना एक इंसिडेंट याद आता है कि एक हमने परफ्यूम हमें किसी ने गिफ्ट दिया और उसको हमने अपने चेस्ट पर जब स्प्रे किया तो मेरी पूरी स्किन लाल हो गई और उसके बाद वो धीरे धीरे काली पड़ गई और आज तक वो निशान कालेपन का चेस्ट से मेरे नहीं गया है। तो ये सिर्फ टैल्क नहीं, अन्य कॉस्मेटिक्स की भी प्रॉपर टेस्टिंग अनिवार्य है जी। वाकई अशोक जी बहुत अच्छी बात आपने अपनी बात शेयर की और साथ ही बहुत अच्छी बात उठाई है कि चाहे टेलकम पाउडर हो या अन्य कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट हो वो उतने ही घातक होते हैं, उनकी प्रॉपर टेस्टिंग करानी जरूरी होती है। लेकिन सवाल यहीं पर खड़ा होता है कि आखिर ये जिम्मेदारी किसकी बनती है और प्रॉपर टेस्टिंग होती क्यों नहीं है। चर्चा हमारी लगातार जारी रहेगी, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, चर्चा हमारी लगातार जारी है और चर्चा में जाने से पहले दर्शकों से लगातार हम रिक्वेस्ट भी करेंगे कि कहीं ना कहीं टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, अपनी बात रख सकते हैं और साथ ही अपनी समस्या जो आसपास आपको लगता है कोई ऐसी अव्यवस्था है जिसको देखकर अपनी आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि के न्यूज आपकी बात को प्रशासनिक स्तर तक, आला अधिकारियों तक पहुंचाने की कोशिश करता है और लगातार ऐसे मुद्दे उठाता भी रहता है। तो आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप
हर एक मुद्दे पर बेबाकी के साथ अपनी राय रखें। अशोक जी आपके पास आएंगे, लगातार आप बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं सिर्फ एक टेलकम पाउडर ही नहीं, जितने भी कॉस्मेटिक्स उत्पाद हैं उनकी प्रॉपर टेस्टिंग होनी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि प्रॉपर टेस्टिंग होती है, क्योंकि कई बार देखने में आता है कि अगर मार्केट में कोई ब्रांड का प्रोडक्ट लेने जाओ बड़े ब्रांड का, तो उसकी कॉपी भी मिलती है 50% कम रेट में, तो मुझे नहीं लगता कि कोई टेस्टिंग होती है। और साथ ही अगर टेस्टिंग होती तो ऐसी किसी भी कंपनी की, क्योंकि लोगों को पहचान भी नहीं होती है, कई बार लोग फंस भी जाते हैं क्योंकि लोगों को नहीं पता होता है कि जो कॉपी है उसका बारकोड क्या होना चाहिए, साथ ही जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है कोड क्या होना चाहिए, तो इस पर कैसे अंकुश लगाया जाए? इन्फोर्समेंट को और स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है। समस्या जो ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट्स या फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स को फेस करनी पड़ती है, जो ड्रग्स की बिक्री होती है वो तो लाइसेंस शुदा दुकानों से होती है, वहां उनकी एक्सेस आसान होती है, वो लोग डरते हैं कि नियम कानून का पालन नहीं करेंगे, इंस्पेक्टर के साथ इंस्पेक्शन में कोऑपरेट नहीं करेंगे, बिल वाउचर एक्सेट्रा नहीं दिखाएंगे, कंडीशंस ऑफ स्टोरेज मेंटेन नहीं करेंगे, तो उनके खिलाफ लाइसेंस निरस्तीकरण या निलंबन की कार्रवाई होगी, अथवा संगीन मामलों में उनके खिलाफ मुकदमा भी चलता है। समस्या आती है जहां कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स हैं, कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स किसी परचून की दुकान पर भी उपलब्ध होते हैं, जहां ना तो ड्रग डिपार्टमेंट का कोई लाइसेंस होता है, और प्रायः ये देखा गया है कि जब हमारे इंस्पेक्टरान ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट के ऐसे प्रतिष्ठानों में जांच हेतु जाते हैं तो व्यापार मंडल के लोग उसमें बाधा बनते हैं या उन्हें कार्रवाई करने में बाधा पहुंचाई जाती है, सैंपल नहीं लिए जाने देते हैं। ऐसे भी प्रकरण हुए जहां सैंपल लेने के उपरांत उनसे छीन लिए गए हैं जी। तो ये समस्या जो है ये आसान नहीं है इतना अच्छी तरह कंट्रोल करना, जब तक कि एनफोर्समेंट ऑफिसर्स को पूरी तरह उनका प्रोटेक्शन सरकार या पुलिस फोर्स से ना मिले, और एनफोर्समेंट को ही स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है, और सैंपलिंग को बढ़ाना आवश्यक है, जिसके लिए जो भी प्रयोगशालाएं गवर्नमेंट की है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती हों चाहे स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में, उनकी सैंपल टेस्टिंग की कैपेसिटी को मेरे हिसाब से कम 10 गुना करने की आवश्यकता है जी। बिल्कुल, लेकिन एक बड़ी लापरवाही इसे कहा जा सकता है, क्योंकि सैंपलिंग होती ही नहीं है। अगर बड़ी बड़ी कंपनियों की बात की जाए तो शायद कभी कदार देखने में आता होगा, लेकिन अगर देखा जाए तो जो कंपनी के उपभोक्ता हैं वो पूरा सिर्फ पैसे कमाने में जुटे हुए हैं, उनको इस बात से मतलब नहीं है कि इस प्रोडक्ट में हम क्या मिला रहे हैं और आम जनता को इससे कहीं ना कहीं क्या नुकसान पहुंचेगा, इस बात से कोई इत्तेफाक नहीं है। अजी संजीव जी आपके पास आएंगे, लगातार ये बात निकलकर सामने आ रही है कि स्पेशली अगर टेलकम पाउडर की बात की जाए तो टेलकम पाउडर का इस्तेमाल ज्यादा करने से गर्भाशय जैसे कैंसर भी हो सकता है, कैसे हो सकता है, इसका जवाब हम आपसे लेना चाहेंगे। देखिए, ये गर्भाशय का कैंसर जो अभी तक जितने भी मामले आए हैं यूएस से रिपोर्टेड हैं, कुछ अक्रॉस द वर्ल्ड दूसरी कंट्रीज से रिपोर्टेड हैं, भारत में अभी तक गर्भाशय के कैंसर के मामले जो रिपोर्टेड हैं उसमें डायरेक्ट लिंक कोई प्रत्यक्ष प्रमाण की एक टेलकम पाउडर से ही हुआ है ये हम कहने में अभी सक्षम नहीं है। एस्बेस्टोस जो है अब स्वतः ही एक कैंसर कारक तत्व है, तो अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में ये इसका इंजेक्शन होता है, ये इनहेल एकदम फ्यूम की फॉर्म में चला जाता है और एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी में, किसी भी अंग में पहुंच सकता है। गर्भाशय के कैंसर के मामले अधिकतर ज़्यादा सामने आए हैं, लेकिन
ये किसी भी जो हमारे खनन विभाग हैं जहाँ पे स्टोन माइनिंग होती है वहाँ पे ये लंग के कैंसर के मामले ज्यादा आते हैं एस्बेस्टोस में। मेरा इसमें कहना ये है जी जी कि हिंदुस्तान में भी रिपोर्टेड हैं केसेस, ओवेरियन कैंसर्स के बहुत सारे केसेस हैं जो टेलकम से लिंक हैं जी, और उसमें ये जो रिपोर्ट्स हैं उसका ये माना जाना है कि जो लेडीज ज्यादातर जेनाइटल्स के आसपास टेलकम पाउडर का इस्तेमाल करती हैं जी, वो इंटरनल कैविटीज में जब पहुंचता है और काफी अवधि तक ये इस्तेमाल रेगुलर होता है तो उससे ओवेरियन कैंसर का खतरा बढ़ जाता है जी। ऐसी रिपोर्ट्स हैं जी, ऐसी रिपोर्ट्स कहीं ना सामने आ रही हैं और लगातार दर्शकों से भी हम अपील करना चाहेंगे क्योंकि ज्यादातर लोग ब्यूटी प्रोडक्ट्स आमतौर पर अगर महिलाओं की बात की जाए ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करती हैं और चाहे और बच्चों की बात की जाए तो टेलकम पाउडर का ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है और जब शोध में ये बात निकलकर सामने आ जाती है तो अवेयर होनी भी होना भी एक बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है और दर्शकों से लगातार अपील भी करना चाहेंगे कि इस मुद्दे को लेकर अपनी राय रख सकते हैं। हमारे साथ एक खास मेहमान स्टूडियो में और जुड़ी हुई है, वंदना मिश्रा जो कि ब्यूटिशियन है, उनसे भी आपका स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए और आपसे भी चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं वो वाकई क्या इतने खतरनाक हो भी सकते हैं। जिस तरीके से हम आपको बताएं कि टेलकम पाउडर में जो शोध हुआ है, टेलकम पाउडर में जहरीले पदार्थ पाए गए हैं जिससे कि गर्भाशय जैसा कैंसर भी हो सकता है महिलाओं को, तो चाहे वो लिपस्टिक की बात करें या आमतौर पर किसी क्रीम की बात करें, वंदना जी कितने भी बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं और कई बार ये भी देखने में आता है कि हम ब्रांडेड लेने जाते हैं लेकिन कई बार लोगों को ये जानकारी ही नहीं होती है, वो ब्रांडेड के नाम पर ब्रांड की कॉपी ले लेते हैं, तो ये भी एक वजह मानी जाती है कि कहीं ना कहीं उसके साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। सोनी, एक्चुअली मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ और हमारे फील्ड में थोड़ा पैसा ज़्यादा कमाने के लिए लोग डी प्रोडक्ट्स यूज़ करने लगते हैं जी, तो डिस्ट्रीब्यूटर भी काम कर रहे हैं मार्केट में, लोग भी यूज़ कर रहे हैं लोगों से पैसा बनाने के लिए, वो असली प्रोडक्ट नहीं ले सकते हैं तो वो जो उनके डोर पे मिल जाता है वो यूज़ करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स हैं जी। आप स्किन सोराइसिस जैसी बीमारियाँ हैं, आपके स्किन में एलर्जीज हैं और बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स मैंने पाया है कि लोग किसी भी लोकल सलोन में जो सर्टिफाइड नहीं है और जिनको प्रोडक्ट्स का खुद में नॉलेज नहीं है तो वो प्रोडक्ट्स बहुत खतरनाक साबित होते हैं, तो जब उनका काम कुछ खराब हो जाता है तो फिर वो ऐसे सर्टिफाइड सलोन्स की तरफ जाते हैं जहां पे जो ब्रांड्स को यूज करते हैं, अच्छे ब्रांड्स को यूज करते हैं जी। तो किसी भी स्किन थेरेपिस्ट के अंडर में ही आप अपने स्किन को दें, हम लोग यही सजेस्ट करते हैं। वंदना जी, वाकई आपने बहुत सही बात कही कि जैसे कि जो ब्रांड होते हैं तो कई बार लोगों को नॉलेज भी नहीं होती ब्रांड को लेकर, और या फिर वो इतने रेट उनके हाई होते हैं कि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तो अगर कम रेंज में कोई ऐसा ब्रांड आता है तो मुझे लगता है ज्यादातर उनको वो इस्तेमाल करना चाहिए। और साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो अगर ब्रांड की हम स्पेशली बात कर लें तो क्या ब्रांड जो हम खरीदते हैं उसमें क्या हानिकारक तत्व नहीं पाए जाते हैं? कुछ परसेंटेज होता है कि किसी किसी चीज का सब्स्टिट्यूट उसमें पड़ा होता है, लेकिन फिर भी अगर एक अच्छे ब्रांड पे आप ट्रस्ट करते हैं, वो लेबोरेटरी में काफी प्रोसेस के बाद निकलते हैं, उनके ऊपर एक शिकंजा होता है जिन प्रोसेस के साथ में उनको गुजर के आना पड़ता है, तो मच बेटर है कि आप एक हाई एंड प्रोडक्ट के ऊपर बिलीव करें जिसके ऊपर रिसर्च की गई हो, जिसके जिसके लिए अवेयरनेस हो मार्केट में, तो मुझे लगता है कि एक अच्छे ब्रांड को यूज करेंगे तो वो फिर भी उनके ऊपर शिकंजे की वजह से वो आंसरेबल होते हैं, तो उन प्रोडक्ट्स का यूज करें जो ब्रांड्स की अवेयरनेस मार्केट में हो जी। बिल्कुल अशोक जी, आपके पास आना चाहेंगे, जैसा कि वंदना जी कह रही हैं कि अगर कोई ब्रांड का हम प्रोडक्ट लेते हैं तो जाहिर सी बात है उसकी टेस्टिंग होती है बाकायदा, वो कई प्रोसेस
पार करके सामने आता है, जो आम जनता को अवेलेबल हो पाता है, वो मार्केट में अवेलेबल हो पाता है। तो टैल्कम पाउडर भी अगर इसी में देखा जाए, तो टैल्कम पाउडर को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो टैल्कम पाउडर भी में भी वही सारे प्रोटोकॉल लागू होते हैं। तो क्या जो नामी ग्रामी कंपनियां हैं, तो उपभोक्ता क्या सिर्फ पैसे कमाने की जद में अड़े हुए हैं, उनको इस बात से लेना देना नहीं है कि इसके क्या साइड इफेक्ट आम जनता को भुगतने पड़ रहे हैं, क्या वो लैब टेस्टिंग से होकर बाहर नहीं आते हैं? इतनी पॉपुलेशन में हमें तो ऐसा लगता है कि ये लोग अवेयर ही नहीं है जी, जो बेच रहे हैं। अशोक जी से मेरा सवाल था वंदना जी। ओके ओके जी, ब्रांड किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी की गारंटी नहीं हो सकती। यदि वो भी कंपनी निर्धारित मानकों के अनुसार उसकी टेस्टिंग नहीं करती जी, तो ब्रांड कोई गारंटी नहीं है कि वो प्रोडक्ट अच्छा होगा। हाँ, कंपैरेटिवली जो अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं वो भी अच्छे हो सकते हैं, वो ब्रांडेड प्रोडक्ट से भी बेहतर हो सकते हैं, यदि उसका मैन्युफैक्चरर जागरूक है और नियमों का पालन करके निर्धारित मानकों के अनुसार उनकी टेस्टिंग कराकर ही मार्केट में उसको उतारता है, जो कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स के प्राविधान है कि बिना टेस्ट किए कोई भी प्रोडक्ट, चाहे वो कॉस्मेटिक्स का हो या ड्रग्स का हो, उसे मार्केट में नहीं रिलीज किया जा सकता जी। बिल्कुल, लेकिन जो इसके साइड इफेक्ट आजकल देखने को मिल रहे हैं टैल्कम पाउडर के, संजीव कुमार जी आपके पास आएंगे, टैल्कम पाउडर के स्पेशली जब हम बात कर रहे हैं, हालांकि सारे प्रोडक्ट्स शामिल हो जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनमें भी ऐसे पदार्थ जाहिर सी बात है पाए जाते होंगे, जब टैल्कम पाउडर ज़्यादातर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मुझे लगता है इस पर जो ड्रग्स विभाग है उसको ध्यान देने की ज़रूरत है, साथ ही प्रशासनिक एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है, उसको भी ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, दोनों को ध्यान देने की जरूरत है, जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है और उसको मार्केट में आने से पहले जो संबंधित विभाग हैं, ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे, दोनों ही जगहों पे कम से कम बराबर से इसको जब मॉनिटर करेंगे तभी ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो पाएंगी और एक हम सेफ चीज़ यूज़ कर पाएंगे। इन सब चीज़ों में पैसा लगता है, अनब्रांडेड मेजॉरिटी ऑफ द टाइम क्या करते हैं कि उन्होंने अपना प्रोडक्ट बना तो लिया लेकिन उसको टेस्ट करने से पहले ही वो मार्केट में उतार देते हैं, अगर टेस्ट भी किया है तो वो सब प्रॉपर तरीके से नहीं होता। ब्रांडेड कोशिश तो ज़रूर करते हैं लेकिन सारे बैच टाइम टू टाइम उनकी क्वालिटी कंट्रोल जारी रहता है या नहीं रहता, ये भी चीजें देखने की बात है। चलिए वंदना जी आपके पास आते हैं, जैसे कि अभी संजीव जी ने कहा कि कई बार कोशिश तो होती है, जो ब्रांडेड कंपनियां हैं वो कहीं ना कहीं ध्यान देती हैं इस बात पे कि उसके साइड इफेक्ट ना हो, लेकिन कई बार देखने में आता है कि ब्रांडेड कंपनियां भी कहीं ना कहीं जो प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं उसमें गड़बड़ी पाई जाती है, तो ऐसी भी स्थितियां देखने को मिली हैं। अगर फॉर एग्जांपल किसी एक कंपनी की पर्टिकुलर हम बात कर लें लैक्मे की, तो अगर स्टार्टिंग में देखे जाए तो लैक्मे के प्रोडक्ट बहुत अच्छे थे, लेकिन अब अगर बात की जाए तो वो प्रोडक्ट उतने अच्छे नहीं मिल रहे हैं, मार्केट में अवेलेबल नहीं है। लेकिन नॉर्मल पब्लिक को कैसे अवेयरनेस आएगी, वो तो आप गवर्नमेंट के ऊपर बैठे हुए हैं ना, कि उन्होंने टेस्टिंग प्रोसेस में उनको पास कर दिया है, उन्होंने प्रोडक्ट्स लगा दिए हैं, तो हम सलोन्स वाले भी उन्हीं के ऊपर ट्रस्ट करके कि अब इससे ज्यादा हम ऊपर बहुत अंदरूनी तो जानकारियां नहीं अवेलेबल करा सकते हैं ना, तो जो उनके प्रोसेस हैं उससे गुजर के आ रहे हैं, हम तो उन्हीं के ऊपर ट्रस्ट करेंगे, हमें कैसे पता लगेगा, नॉर्मल पब्लिक को कैसे पता लगेगा, इतनी गहराई में जाके कौन पता करेगा कि वो इस समय वो प्रोडक्ट खराब हो गया, उनका क्वालिटी कंट्रोल हुआ है कि नहीं हुआ है, है ना जी। एक बड़ी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं बनती है इसमें, प्रशासनिक अमले की और ड्रग्स विभाग की भी एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है। हालांकि बार बार हम अशोक जी आपके पास आ रहे हैं क्योंकि मुझे लगता है एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ड्रग्स विभाग की, जो कहीं ना कहीं सैम्पलिंग नहीं ले पा रहा है, जानकारी होते हुए भी गैर जिम्मेदाराना रवैया निकल कर सामने आ रहा है, तो कितना और सख्त होने की जरूरत है ड्रग्स विभाग को,
क्योंकि ये कहीं ना कहीं इसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। मैंने ये बताया कि सबसे ज्यादा जरूरत है ड्रग डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टरेट स्टाफ की जो संख्या है उसको बढ़ाया जाए और जो टेस्टिंग फैसिलिटीज लेबोरेटरीज में उपलब्ध है गवर्नमेंट टेस्टिंग लेबोरेटरीज में उसको कम से कम 10 गुना किया जाए। इसके अलावा एक सुझाव मेरा और है जो कि गवर्नमेंट ने ड्रग एडवर्स रिएक्शंस के बारे में तो लागू कर दिया है कि बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस को पैनल पे रख के वहां से एडवर्स ड्रग रिपोर्टिंग सिस्टम उन्होंने लागू किया है ऑनलाइन सिस्टम जिसकी वजह से अब उन्हें एक स्टैटिस्टिक्स मिलती है कि किस दवा से क्या नुकसान हो रहा है लेकिन अभी तक कॉस्मेटिक से होने वाले दुष्प्रभाव और उसके एडवर्स यदि किसी व्यक्ति को कोई रिएक्शन हो गया है तो उसकी रिपोर्टिंग का हिंदुस्तान में कोई सिस्टम नहीं है और ये जानकारी नहीं हो पाती और यदि कोई कहता है कि ओवेरियन कैंसर टेलकम से हुआ तो इसको लिंक करना साइंटिफिकली संभव नहीं होता है जब तक कि केस टू केस स्टडी करके एडवर्स कॉस्मेटिक रिएक्शन को रिपोर्टिंग सिस्टम में न डाला जाए। तो मेरा ये भी सुझाव है कि मैन पावर को बढ़ाया जाए इंस्पेक्टरेट स्टाफ को बढ़ाया जाए थ्रू आउट इंडिया हर ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट में जो टेस्टिंग लैब है उनकी क्षमता टेस्टिंग की क्षमता को कम से कम 10 गुना करने की आवश्यकता है ताकि कॉस्मेटिक्स के नमूने भी वो कर सके दवाओं के अलावा और तीसरी चीज कॉस्मेटिक के जो दुष्परिणाम है एडवर्स रिएक्शन जो पब्लिक जानती है और रिपोर्ट नहीं कर सकती क्योंकि कोई सिस्टम नहीं है वो कोई पब्लिक पोर्टल पे ऐसा सिस्टम बनाया जाए केंद्र सरकार द्वारा कि उसकी रिपोर्टिंग हो सके ताकि उसके बाद एक साइंटिफिक शोध के बाद हम ये निर्णय पे पहुंच सके कि इस कॉस्मेटिक की वजह से ये बीमारियां हुई हैं और उसके लिए हम फिर कोई प्रिवेंटिव मेजर प्रॉपर निकाल सके। चलिए अशोक जी रिपोर्टिंग सिस्टम को कहीं ना कहीं बढ़ाने की जरूरत है और मैन पावर को बढ़ाने की जरूरत है तब ड्रग्स विभाग जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ और जिम्मेदारी के साथ काम कर पाएगा। वंदना जी आपके पास आएंगे, जिस तरीके से मार्केट में देखा गया है हालांकि हम टेलकम पाउडर को लेकर लगातार बात कर रहे हैं, टेलकम पाउडर के साथ साथ हम कॉम्पैक्ट को लेकर बात करेंगे जो ज्यादातर महिलाएं यूज करती हैं और मेकअप में इसका अहम रोल भी होता है, तो क्या ये टेलकम पाउडर की तरह जो कॉम्पैक्ट होते हैं वो भी बहुत ज्यादा हानिकारक होते हैं और कहीं ना कहीं बहुत ऐसी जो बीमारियां हैं कैंसर जैसी घातक बीमारियां हैं उनको जन्म देते हैं? हाँ बिल्कुल देते हैं। मैं एक बार एक डेस्टिनेशन वेडिंग करने के लिए गई थी तो वहां मेरा एक एक्सपीरियंस हुआ, एक बगल वाले कमरे में वो वेडिंग के लिए आई थी लेडी और वो सलोन से मेकअप करा के आई थी और मेकअप में जो उन्होंने आईलाइनर लगाया था उससे उनको पता नहीं क्या एलर्जी हुई है, दोनों आंखों पे उनके पट्टियां बंधी थी, वो एक हफ्ते तक पट्टियां उनके बंधी रहती, इतना खतरनाक है सारे ब्यूटी के प्रोडक्ट्स, इवन जो आप कॉम्पैक्ट बता रही हैं या लाइनर हो मस्कारा हो काजल हो तो हर चीज पे वही क्वालिटी कंट्रोल मायने रखती है जो आपके टेलकम पाउडर में है जी। छोटे से छोटा प्रोडक्ट भी आपको बहुत आपकी जिंदगी से खिलवाड़ कर सकता है जी। चलिए अभी फिलहाल ब्रेक का वक्त हो गया है लेकिन जब ब्रेक से वापस आएंगे तो वंदना जी ये जरूर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चाहिए और किन किन चीजों का ध्यान रखने की जरूरत होती है। फिलहाल रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से वापस आ रहे हैं और लगातार दर्शकों से भी अपील करेंगे, टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, आप अपनी बात रख सकते हैं, कॉल करके अपनी राय रख सकते हैं क्योंकि आपकी राय बेहद ही महत्वपूर्ण है। हमारे साथ खास पैनल भी मौजूद है जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं क्योंकि टेलकम पाउडर जो है वो हम लोगों ने अपने रोज दैनिक दिनचर्या में शुमार कर लिया है और ज्यादातर अगर गर्मियों की बात करें तो गर्मियों में अधिकतर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं लेकिन इसके परिणाम नहीं जानते कि ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है और इसी के दायरे में सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स
भी आ जाते हैं, इसी को लेकर चर्चा कर रहे हैं। वंदना जी, आपके पास आएंगे। कई बार देखा गया है, हालांकि टैल्कम पाउडर को लेकर हम बात कर रहे हैं, लेकिन बात यहाँ पर सारे ही कॉस्मेटिक्स जो हैं प्रोडक्ट्स, उन सब की आ जाती है, क्योंकि उनमें भी धड़ल्ले से कहीं ना कहीं वो होलसेलर होते हैं, वो सेल कर रहे हैं बड़ी बड़ी दुकानों में जाकर। तो आखिर उनमें उनके बारे में लोगों को कैसे अवेयर किया जाए? साथ ही अगर आप वैक्सिंग करते होंगे आप लोग, तो उसमें भी टैल्कम पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी शॉपकीपर या कोई भी ब्यूटिशियन जो होता है वो बहुत महंगा जो होता है टैल्कम पाउडर का इस्तेमाल करेगा। वो तो जो कम रेट में आ जाए वही इस्तेमाल करेगा। जी, उपभोक्ता जो है वो भी बहुत ज्यादा अवेयर नहीं है। अब वो कंपैरिजन हो जाता है कि एक बड़े सलोन में ये रेट रखा है, एक छोटे सलोन में ये रेट रखा है, या जो होम सर्विस कर रही हैं गर्ल्स वो इतना ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, तो उन्होंने आजकल होलसेलर्स देखिए आप, जो पता नहीं उनका कोई ब्रांड नहीं होता, वो प्लास्टिक की एक पॉलिथिन में 1 किलो 2 किलो के हिसाब से वो सेल कर रहे हैं, बहुत धड़ल्ले से सेल कर रहे हैं, लाने वाले लेके आ रहे हैं। तो उपभोक्ता सोचता है कि मैंने यहाँ पे 50 रुपए खर्च किए हैं और वो फलाना सलोन जो है वो 150 रुपए खर्च करवा रहे हैं, तो मैं क्यों 100 रुपए का अपना नुकसान करूं। तो वो भी नहीं अवेयरनेस है, क्लाइंट भी नहीं अवेयरनेस, उसमें भी नहीं अवेयरनेस है। तो बेचने वाले बेच रहे हैं और बहुत दिनों से बेच रहे हैं, वो बेच बेच के करोड़पति अरबपति हो रहे हैं, और पब्लिक को कोई अवेयरनेस है नहीं। जी बिल्कुल, और यही हाल कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी कंपनियों की जो उपभोक्ता हैं वो भी सिर्फ इसी बात पर ध्यान दे रहे हैं कि आखिर पैसा कैसे कमाया जाए। उन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं होता है कि ये आम पब्लिक के बीच में ये प्रोडक्ट जा रहा है, तो इसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं आम पब्लिक करेगी तो उसके साइड इफेक्ट क्या होंगे, इस बात से उसे कोई इत्तेफाक नहीं है। अशोक मल्होत्रा जी, फाइनल कॉमेंट आपका इस मुद्दे पर लेना चाहेंगे, क्योंकि ड्रग्स विभाग की अगर जिम्मेदारी की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि पूरी जिम्मेदारी निभाता नजर आ रहा है। मैन पावर की कमी होना एक अलग बात है, रिपोर्टिंग सिस्टम कम होना एक अलग बात है। मैं आपकी बात से सहमत हूं, कॉस्मेटिक्स की सैंपलिंग और इसकी टेस्टिंग व्यापक स्तर पर होने की बहुत आवश्यकता है, ताकि जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना हो। आम पब्लिक के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जो नहीं करना चाहिए। संजीव कुमार जी, आपके पास आएंगे, आपका फाइनल कमेंट इस मुद्दे पर लेना चाहेंगे कि आखिर कितना सजग होने की जरूरत है, और साथ ही जो खतरनाक तत्व पाए गए हैं इसको लेकर क्या जिम्मेदारी बनती है उन नामी ग्रामी कंपनियों की, साथ ही ड्रग्स विभाग की क्या जिम्मेदारी बनती है, इस पर आपका फाइनल कमेंट जानना चाहेंगे। और बच्चों को टैल्कम पाउडर इस्तेमाल करने से पहले किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? बच्चों का तो टैल्कम पाउडर इस्तेमाल करने से पहले, जैसा अशोक जी ने पहले ही बताया और मैंने भी बताया है, कि बच्चों का जो फेफड़ा है विकास की स्थिति में होता है, ऐसी इतनी कम उम्र में अगर टैल्कम पाउडर जिसमें जरा सा भी एस्बेस्टस या कुछ भी कैंसर कारक तत्व तो है और एक्सपोजर होता है, तो फिर डेफिनेटली ये किसी भी स्थिति किसी भी बीमारी के रूप में परिलक्षित हो सकता है। लेकिन साथ में कहूँगा कि केवल हम टैल्कम पाउडर तक ही सीमित ना रहें, क्योंकि आज की जी सारे प्रोडक्ट ही इस दायरे में आ जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, साथ ही वंदना जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सवाल यही उठता है कि सिर्फ बात टैल्कम पाउडर तक ही सीमित नहीं है, और भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो है मार्केट में अवेलेबल है उसके प्रति भी आपको अवेयर होने की जरूरत है, जानने की जरूरत है कि कौन सा प्रोडक्ट हमारे लिए बेहतर है और क्या उसमें मानक के अनुरूप
वो बनाया गया है या नहीं बनाया गया है, इन सारी चीजों को कहीं ना कहीं ध्यान रखने की जरूरत है और ड्रग्स जो विभाग है उसको अपनी जिम्मेदारी समझने की जरूरत है। लेकिन उससे ज्यादा, क्योंकि हम और आप कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते हैं, तो हमारी और आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है कि इसको लेकर हम सजग रहें और तभी इससे इन हानिकारक जो केमिकल्स हैं इससे उत्पन्न होने वाले बीमारियों से हम बच सकेंगे। इसी के साथ सुबह बोलेगा में आज फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप बने रहिए के न्यूज के साथ।